हाय, आई एम ठाकुर उदयवीर सिंह फ्रॉम स्पेस रिसर्च। तो आज मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ जो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हम होम थिएटर देना चाहते हैं तो वो इमेजिन करते हैं विद डेड वॉल्स, जैसे हम PVR वगैरह में जाते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो प्रैक्टिकली मुझे कई बार लगता है ऐसा होम थिएटर घर पे देना इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल। मेरे लिए क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल है और मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये सारा कुछ जानने के लिए ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि यार हम वो डेड वॉल्स क्यों करते हैं। वो डेड वॉल्स इसलिए की जाती है ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो सके, बट साइकोलॉजिकली वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन बॉडी पे। और अगर हम घर का होम थिएटर बना रहे हैं, जैसे ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये होम थिएटर है, एक रेजिडेंशियल होम थिएटर है जहाँ पे फैमिली पार्टी करती है और साथ ही बिल्कुल बाहर भी है जहाँ पे वो लोग ड्रिंक लेते हैं, वो लोग इन्जॉय करते हैं। तो मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि सारी तरफ बड़ी बड़ी विंडोज़ हों। तो आप देख सकते हो कि सारी तरफ ये पूरी पूरी बड़ी विंडो है। मतलब अगर आप इस होम थिएटर की किसी भी वॉल को देखोगे, प्रैक्टिकली वो सारी ग्लास है। सिर्फ जो पाउडर रूम और लिफ्ट वाला रास्ता है जहाँ से मैं आया था, वो लिफ्ट थी, वो लिफ्ट वाला इस वॉल को डेड किया हुआ है। बाकी इस तरफ भी पूरी बड़ी विंडो है। क्यों ऐसा किया हुआ है? और सिर्फ एक ये मेजर वॉल जो मेन वॉल है वो डेड है। यहाँ पे स्टोरेज फॉर ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए, और जो ये वाली वॉल है वो बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन को लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो ये बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन दी हुई है जहाँ पे सारी लेदर क्विल्टिंग की हुई है, जहाँ से सारी साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो हम बात कर रहे थे कि हम वो डेड वॉल्स देते हैं, तो साउंड एब्जॉर्ब यहाँ से हो जाएगी। आप सामने बार के ऊपर वाली रूफ देख सकते हो, वहाँ पे भी सारी लेदर क्विल्टिंग की हुई है। तो ये सारी लेदर क्विल्टिंग इसलिए दी हुई है ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आप फ्लोरिंग की बात करोगे तो फ्लोरिंग भी सारी कारपेट की दी हुई है, तो इससे भी सारी साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो ये विंडोज़ के आगे कर्टन्स लगे हुए हैं, ये भी साउंड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट बड़ी 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 विंडोज़ देने का ये फ़ायदा हुआ कि हमारा आउटडोर के साथ कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली प्रोजेक्टर भी देख सकता हूँ और पीछे प्लांट्स भी देख सकता हूँ। साइकोलॉजिकली मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर यही डेड वॉल होती तो आफ्टर वॉचिंग 2-3 hours ऑफ मूवी हम ऐसा फील करते हैं दैट वी आर इन दैट जोन ओनली, उसी मूवी के अंदर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा अंदर हो जाते हैं। तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डिप्रेसिंग सिचुएशन। आज के लोगों में डिप्रेशन और ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हम डेड वॉल्स, रिफाइंड स्पेसेस के अंदर रहना पसंद करते हैं, जबकि प्रैक्टिकली हमें ओपन स्पेसेस में रहना चाहिए। हमें अपने इंडोर्स को आउटडोर्स के साथ कनेक्शन देना चाहिए ताकि साइकोलॉजिकली डिप्रेस ना फील करें। तो सबसे पहला ये वाला पैनोरामिक व्यू आ गया आउटडोर का, इधर से भी व्यू आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्लाइंट ये कई बार कहता है कि यार हीट इनटेक होगा अगर बहुत ज़्यादा हम बड़ी विंडोज़ देंगे। आप प्रैक्टिकली देख सकते हो वो लाइन दिख रही है, धूप वहाँ तक आ रही है, धूप डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आ रही। जो हमने ऊपर शेड दिया हुआ है उससे हीट रुक रही है और उससे प्रैक्टिकली अंदर की तरफ धूप नहीं आ रही, बट लाइट आ रही है। वो लाइट आने से क्या फ़ायदा हुआ? वो लाइट आने से ये फ़ायदा हुआ, ये स्पेस सारी लिट होगी। और जब मैं मॉर्निंग भी वैसे बैठना चाहता हूँ, वो भी बड़ा अमेजिंग स्पेस बन जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर मन है कि नहीं पूरा डेड ही करना है, प्रॉपर होम थिएटर वाली फील लेनी है, तो इट्स वेरी इजी। ऑटोमेटेड रिमोट वाला कर्टन लगा हुआ है, आप इसको बंद कर सकते हो। हाँ, तो आप इस होम थिएटर में देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी अपनी फैमिली गेट टुगेदर करनी है तो आप यहाँ से स्लाइडर खोल सकते हो, यहाँ से स्लाइडर खोल सकते हो और यहाँ से आउटडोर के साथ आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपकी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है। इसी तरीके अगर आप इधर से बाहर जाना चाहते हो तो इधर से भी बाहर जा सकते हो, ये भी विंडो खुल जाएगी। तो अगर आपने गेट टुगेदर रखी हुई है, आउटडोर पे अलग बफे वगैरह लगा हुआ है, खाना वगैरह लगा हुआ है, लोग अंदर भी बैठना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर बैठना चाहते हैं, मिस्ट ऐड कर सकते हो जो पानी की हल्का हल्का स्प्रे चलता रहता है, तो वो आउटडोर स्पेस भी आपकी बड़ी यूज़फुल हो जाएगी ऊपर भी। और अराउंड 40-50-60 लोगों की गेट टुगेदर बहुत ही अच्छी घर पे ही हो सकती है आपके। तो अगर आप अपने
घर पे ऐसी स्पेसेस ऐड करना चाहते हो, इसके अलावा आपकी कोई और हॉबी, आपकी रीडिंग की हॉबी है, आपको कोई ऐसी लग्जरी बॉलिंग एले चाहिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए जो आपके घर में आपकी हॉबी है और आप अपने घर में ऐड करना चाहते हो, इवन गोल्फ खेलते हो तो गोल्फ के रिलेटेड अगर आपको वो वहाँ पे रखना है वो रख सकते हो, आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हो, आप क्रिकेट पिच लगाना चाहते हो विद कवर्ड विद नेट तो ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन लग जाती है, जो भी आपकी हॉबी है वो चीज़ आप अपनी रूफटॉप पे ऐड करवा सकते हो, ताकि जो टेरेस आपका वेस्ट होता है वो किसी यूज़फुल स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वो लेजर फ्लोर बना सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपने घर पे ऐसा लेजर फ्लोर ऐड ऑन करना चाहते हो या अपना नया घर प्लान कर रहे हो और ऐसा लेजर फ्लोर उसमें अपना इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हो, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्पेस रिसर्च पे। थैंक यू सो मच।